बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल जो अक्सर आता है यूएचएस में, बल्कि अगर आप कहें कि 8 टाइम आउट ऑफ 10 आया हुआ है, वो आयोडीन डेफिशिएंसी का है। स्टूडेंट सोचते हैं कि ये डिजीज़ में है, ये न्यूट्रिशन में है। अब सवाल आया, स्नैरियो क्या है कि WHO के जो क्लासिफाइड आयोडीन डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपने वो बताने हैं। पार्ट बी आया हुआ जी, मैयर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जाहिर है पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी पाकिस्तान में कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, और ये हिली एरिया का प्रॉब्लम है। हमारे देखिए रूरल एरिया में, हमारे हिली एरियाज भी पाकिस्तान में आते हैं, वहाँ पर आयोडीन डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम कॉमन है। अब कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो WHO ने क्लासीफाई किए हैं? देखिए WHO ने कहा जी हाइपोथायरायडिज्म, जाहिर है आयोडीन कम होगा हाइपोथायरायडिज्म होगा। वर्ड बच्चे क्या लिखते हैं, हाइपर लिख देते हैं या गॉइटर लिखते हैं, हाइपोथायरायडिज्म लिखना है, उसके साथ आप गॉइटर लिख दें। पहली बात है हाइपोथायरायडिज्म, देन गॉइटर, उसी के साथ ही है। हाइपोथायरायड में अक्सर गॉइटर होता है, नेक पे स्वेलिंग होती है, फिर हाशिमोटो है और क्रिटिनिज्म है। तो तीन ये आपने लिख दिए, आपके 2 नंबर हो गए, हाइपोथायरायडिज्म, गॉइटर, उसके साथ ही हाशिमोटोज और क्रिटिनिज्म। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर क्या रही है? आप वैसे टीवी पे ऐड देखते होंगे, आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें, आयोडीन ने आयोडीन मैंडेटरी है, आपने साल्ट में आयोडीन ऐड कर दी है, आपने बहुत सारी जगहों पे आयोडीन ऐड की है, इसको फूड सप्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं आप, कहते हैं बल्कि। तो मैयर्स क्या ली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, आयोडीन साल्ट, आयोडीन मिला नमक टीवी पे ऐड आते हैं, आयोडीनाइजेशन कहते हैं इसको। पहली मैयर ली कि आपने हर साल्ट में आयोडीन ऐड कर दी, आयोडीन ऐड करेंगे जाहिर है आयोडीन की कमी पूरी होगी। देन हेल्थ एजुकेशन, वाई हेल्थ एजुकेशन? देखें हेल्थ एजुकेशन इसलिए कि हमारे बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं। हमारे लोग ये सोचते थे स्टार्ट में जी आयोडीन मिला नमक पीने से पता नहीं प्रेगनेंसी का लॉस हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगी, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। अफ्रीका में हूँ, इवन उन्होंने बर्तनों में आयोडीन मिक्स किया तो उन्होंने बर्तन जला दिए। तो आयोडीन आपने इसके लिए हेल्थ एजुकेशन करनी है कि आयोडीन रिक्वायर्ड किसे है। उसके बाद आपने टेस्टिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें आप साल्ट के सैंपल कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी कंपनियां कहती हैं हमने ऐड किया है, ऐड नहीं करते, तो यू हैव टू टेस्ट। तो पहले नंबर पे आपने साल्ट में आयोडीन ऐड किया, अवेयरनेस या हेल्थ एजुकेशन की बात की, देन आपने टेस्टिंग की बात की, आपने सैंपल लेना है, सैंपल को टेस्ट करना है। देन फिर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि मेटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर के प्रोग्राम के साथ इंटेग्रेशन कर दी। वहाँ पे जो भी प्रोग्राम मेटरनल चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, जहाँ हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, वहाँ एजुकेशन की बात भी करते हैं, आयोडीन साल्ट की बात भी करते हैं, रूरल एरिया के फीमेल को समझाते भी हैं कि आपने आयोडीन मिला नमक लेना है, नमक का ही मेजर उसका सोर्स बनता है, तो आपने उनको एजुकेट करना है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। दूसरा, पाकिस्तान क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, वी हैव टू इंटेग्रेट विद इंटरनेशनल NGOs, हमने फंडिंग भी लेनी होती है, तो हमारा कोलेबोरेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये 5 पॉइंट हैं, बात साल्ट से ही आपने स्टार्ट करनी है कि साल्ट को आपने क्या करना है, साल्ट को आपने आयोडीन ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपने एजुकेशन की बात करनी है, लोग लेंगे जाहिर एजुकेशन पहले भी आती है, पहले तो एजुकेट करें होता क्या है, देन साल्ट में ऐड करें, देन एजुकेट करें कि लेना है। देन आपने बात की सैंपल टेस्टिंग की बात की, कोलेबोरेशन की बात की, MCI सर्विसेज के साथ से ऐड करने की बात की। आई रिपीट अगेन कि अगर आपका सवाल आता है आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, हाइपोथायरायडिज्म, देन गॉइटर्स का रेसिप्रोकली आएगा, हाइपोथायरायडिज्म बच्चे नहीं लिखते, नंबर नहीं मिलते, हाशिमोटो थायराइडाइटिस और क्रिटिनिज्म। और आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको UHS में नंबर मिलेंगे। 5 पॉइंट आपने लाजमी याद रखने। थैंक यू।